एवरीबॉडी, स्वागत आप सभी का संकिन लैंड के एक और नए मजेदार एपिसोड में। आज मेरी थोड़ी सी ना नाक बंद है और थोड़ा सा गला जाम है, ठीक है। हो सकता है बीच में मेरी आवाज थोड़ी सी बदल जाए क्योंकि गले में खराश भी है। ऐसे घूरो मत, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी तबीयत कभी कभी खराब होती है। लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। ऑलराइट, तो हम अपने बेस आ चुके हैं और लास्ट वाले एपिसोड के एंड में ना हमें काफी ज्यादा बढ़िया सरप्राइज मिला था। पता नहीं बंदे कहाँ से आ गए थे, बट हमने सबको धीरे धीरे करके ढो डाला। अभी मैं जा रहा हूँ सल्फर लाने के लिए क्योंकि सल्फर हमारे पास में खत्म हो चुका है और सल्फर इसलिए चाहिए ताकि मैं अपने लिए बुलेट्स बना सकूं, क्योंकि हो सकता है अभी कुछ चीज़ें जब मैं अपग्रेड करने के लिए जाऊं, क्योंकि आज अपने को बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो हो सकता है इन बीच एनिमीज आ जाए हम पर अटैक करने के लिए। इसे मैं पहले से अपने आप को थोड़ा सा ना रेडी रखूंगा। आज अपने को बहुत सारी चीज़ें बनानी, बहुत सारी रिसर्च करनी, मतलब जो जो चीज़ें हमसे छूट गई है ना, आज हम सारी की सारी चीज़ें करने वाले हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ अपार्टमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 48% एक्सप्लोर किया है और अपार्टमेंट्स में अपने को सल्फर मिलता है बहुत ज़्यादा। अभी ऊपर से तो नहीं दिखाई दे रहा। हाँ चलो, ये दिख गया हमें सल्फर के पत्थर, वेरी नाइस। अपने को बहुत सारा भाई काम करना है आज, इतनी सारी चीज़ें करनी है ना, मैं तुमको क्या क्या बताऊँ। इसलिए तुम इन्जॉय करोगे ना तो लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक कोई बात नहीं, एपिसोड देख लो। नहीं, सब्सक्राइब करो क्योंकि भाई सिर्फ और सिर्फ 800 सब्सक्राइबर्स बचे हुए हैं 4 लाख सब्सक्राइबर्स होने के लिए। फाइनली वो दिन आ चुका है जब मैं शान से लोगों को कहूँगा कि भाई मेरे 4 लाख सब्सक्राइबर्स एक चैनल पे और 70,000 दूसरे चैनल पर। वो सामने एक पेटी दिख गई मेरे को, ये पेटी के अंदर मेरी कोई चीज क्या मैंने ड्रॉप कर दिया था, वुड के प्लैंक क्या गिर गए थे। अभी सल्फर कितना आया, 8 सल्फर आया ना, थोड़ा सा और अपने को ना 16 के आसपास में सल्फर मिल गया ना, या 30 के आसपास में सल्फर मिल गया, अपना काम हो गया समझ लो। आज मैंने अपने माइक को भी थोड़ा सा मुंह के नजदीक रखा हूं ताकि तुम्हें मेरी आवाज बिल्कुल ऐसे शार्प सुनाई दे। कहां चले गए सल्फर वाले, सारे के सारे पत्थर खत्म हो गए क्या? 3 पत्थर थे, तीनों के 3 तोड़ लिया, मतलब पहले 2 तोड़ा हूं, अभी 1 तोड़ा हूं, और दया दिख नहीं रहा। मैप में अगर चेक करेंगे ना तो अभी हमने अपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 48% ही एक्सप्लोर किया है। आगे जाकर फायदा नहीं है क्योंकि आगे गहराई है और गहराई के अंदर कोई भी सामान नहीं मिलता, अभी तक तो नहीं मिला है। ओ, इधर भी डिब्बे पड़े हुए हैं, मैंने कितना सारा सामान छोड़कर चला गया हूं। ये क्या टी शर्ट थी? चलो ठीक है, बढ़िया। यार इधर और सल्फर मेरे को दिखाई नहीं दिया इसलिए मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। हम यहाँ से ना सीधा दूसरी ओर जाएंगे, वहाँ से सल्फर उठा के लाएंगे। क्या करें, पुलिस स्टेशन जाए, पुलिस स्टेशन में अपने को अच्छा खासा सामान मिल जाएगा। मेरे पास में खाना है नहीं, पानी है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। और कुछ है मेरे पास? नथिंग। शाम के 7:30 बज गए, मतलब 17:30 बज गए हैं, बहुत जल्द अंधेरा भी हो जाएगा। चलो कम से कम एक मेडिसिन तो मिलेगी, 2 एल्की मेरे पास में पड़ी हुई थी, एक और एल्की मिल गई। अपने को स्क्रैप मेटल दिख रहा है यहाँ पर, बट मैं स्क्रैप मेटल उठा नहीं रहा। ऑलरेडी स्क्रैप मेटल बहुत है, जब नीड रहेगा ना तब हम स्क्रैप मेटल उठा लेंगे, फिलहाल मैं तो नहीं उठा रहा। ये कुछ तो अजीब तरह की पेटी मिली है जो कि अभी तक हमें नहीं मिली थी, क्या ये? अच्छा, इसके अंदर स्क्रैप मेटल मिल रहा है अपने को, ठीक है। ये पेटी को क्या मैं तोड़ सकता हूँ? ना, कुछ नहीं कर सकते। चलो भाई, कम से कम एक पत्थर तो मिला मेरे को सल्फर वाला, 16 भी रहेगा ना, सफिशिएंट है क्योंकि कोल मेरे पास में काफी ज्यादा है, बहुत सारी बुलेट्स बन जाएगी। बुलेट्स मेरे को रेडी रखना और दोनों गन रेडी रखना, क्लोज कॉम्बैक में शॉटगन यूज करूंगा और दूर के लिए अपनी ट्रिपल बैरल वाली गन यूज करेंगे हम, ठीक है। और कितनी ताकत लग रही है आज मेरे को, बहुत ज़्यादा ताकत लग रही है भाई सल्फर निकालने के लिए। खाना नहीं है क्या मेरे पास? चलो खाना है, कम से कम खाना तो खाते हैं। और जो मेरे पास में ये मेडिसिन पड़ी है ना, इसको मैं रेडी कर लेता हूँ। कितनी सारी है, 3-3 मेडिसिन मैंने रेडी कर लिया हूँ, टोटल 19 सल्फर हो गया है मेरे पास में। क्या और ढूंढूँ या फिर? हाँ चलो, ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, यहीं अपने को बाजू में और सल्फर मिल गया। रुइंस भी लूटने के लिए आएंगे इधर भी ना, मेरे को ऐसा लग रहा है अच्छी खासी लूट मिल जाएगी अपने को। आर्मर भी भाई मेरा पूरा का पूरा ना टूट गया है यार, सल्फर का पत्थर टूट ही नहीं रहा, कितना सारा माल मिलता जा रहा है मेरे को आज। कब से मार रहा हूं मैं, कम से कम 1 मिनट हो गया मेरे को ये पत्थर तोड़ते तोड़ते, बट अरे रे रे भाई। चलो अंधेरा हो गया भाई, अंधेरे में पानी में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, बहुत खतरा होता है पानी के अंदर। अपने ये वाले पानी में नहीं है, कुछ कुछ जगह पे है खतरा, बट होता है भाई। ये 20 सल्फर, ये 15 सल्फर, हो गया अपना काम। और आज क्या क्या करना है सबसे पहले वो बताता हूँ तुम्हें।
अपने बेस को अपने को थोड़ा सा बड़ा कर रहा है, और मैं अपने लकड़ी के बेस को लकड़ी का ही रहने दे रहा हूँ। बस जो उसकी बॉर्डर है बाहर की, वो मैं स्क्रैप मेटल की बना रहा हूँ, क्योंकि बाहर की दीवार तोड़ने तक ये लोग का तो काम मैं ऑलमोस्ट कर ही दूंगा, है कि नहीं। इसलिए हम बाहर की दीवार को पूरा का पूरा स्क्रैप मेटल का करेंगे, और स्क्रैप मेटल की दीवार को भी हम फेंस वगैरह वो लगा देंगे, बहुत सेफ्टी करेंगे। अभी घर के अंदर ना चेंजेस होने वाला है, बट घर का सेकेंडरी है, पहले जो अपने को रिसर्चेस करनी है, वो सारी चीज़ें करनी है ना, पहले हम वो रेडी करेंगे, उसके बाद में बाकी का काम करेंगे, ठीक है। ये पेटी के अंदर तो कुछ नहीं है, चलो सो जाते हैं। फैंस भी टूट गई है ना, अपने को फैंस भी बनानी है, सुबह उठने के बाद में बनाऊंगा। अभी मेरा बंदा ना बहुत ज़्यादा थक गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई भाई हमारी लास्ट एपिसोड में, गंदी वाली लड़ाई हुई है। क्या खाना रेडी हो गया है? ओ यार, एले तू एलगी, एलगी नहीं, ये मेडिसिन का, तेरा पेट भर ले, ड्रिंक पी ले, उसके बाद में जो मेरे पास खाना पड़ा ये क्या रोस्टेड वाहू है, चल ठीक है रोस्टेड वाहू खा ले भाई, टेंशन मत ले तू। जो मेरे पास में सामान पड़ा है ना, वो सामान पहले सॉर्ट कर देता हूँ मैं, बट रखने के लिए जगह भी तो नहीं है, इतना सारा सामान हो गया भाई हमारे पास में, क्या बताऊँ तुमको। पहले चारकोल दो भाई, ताकि मैं बुलेट्स बना सकूँ। क्या मेरे पास में बुलेट्स नहीं है? नहीं नहीं नहीं, चारकोल है भाई, इतना सारा चारकोल है। तो पहले बनेगा गन पाउडर, कितना गन पाउडर बनेगा? ज्यादा बन गया गन पाउडर, चलो ठीक है। इसकी अब हम ना बुलेट बना लेते, कितनी बुलेट बनेगी, जितनी ज्यादा बुलेट बनेगी सारी की सारी बुलेटें बना कर रख लूंगा मैं अपने पास में भाई, टेंशन चाहिए नहीं मेरे को, एकदम फुल स्टॉक रहेगा हमारे पास में बंदूकों का, टोटल आई गेस मेरे पास में अच्छी खासी होगी। यार मैं क्रूड ग्रेनेड भी बना सकता हूँ, एक रस्सी चाहिए, मोलोटोव भी बना सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ अपने को बंदूक की बुलेट चाहिए, 60, 60, 120, 120 और 60, 180, 190, चलो 200 के आसपास में बुलेट बन गई। इसीलिए जो एरोज है मेरे, वो सारे के सारे ना एरोज अभी रख दो। अपने को बस अपने पास बैंडेजेस रखना है, हीलिंग पेस्ट रखना है, जो कपड़ा बचा हुआ है सारा कपड़ा यहाँ पर, क्रॉसबो भी एक काम करता हूँ, क्रॉसबो भी रख देता हूँ ये सब, क्योंकि मेरे को कुछ भी नहीं लगने वाला। अपने को चाहिए सिर्फ और सिर्फ बुलेट्स, और खाने की लाइन ना इधर से बना देता हूँ, मेडिकल की लाइन यहाँ पर, ये नीचे रॉ मटेरियल की लाइन, वैसे रॉ मटेरियल मैं अपने पास में रखता नहीं हूँ, सीधा ना यहाँ पर ऐड कर दूंगा स्क्रैप मेटल जितना भी मेरे पास में ना, पूरा इधर ऐड हो गया। कोई तो अभी मेरे को नहीं लगता आज के दिन कोई आएगा, पहले अपने को बैग की कैपेसिटी अपनी बढ़ानी है काफ़ी ज़्यादा, और जो सल्फर मैंने लेकर आया हूँ ना, वो सल्फर यहीं पर रख दो, और जो ओर है अपने पास में ओर को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मेरा आर्मर ना पूरा का पूरा टूट गया है। इधर लकड़ी है कितनी है? लकड़ी थोड़ी सी कम है ना, तो एक काम करो, रुक जाओ यार, मैंने ये नॉर्मल वाला पानी पी के अगर पेट भरता ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक ना मैं जंग के टाइम में यूज़ कर लेता था। चलो अभी मैं मर्लिन को मारने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो बैकपैक है ना, ये बड़ा सा बैकपैक, इसको 12 कपड़े लगेंगे। अपने पास में है मर्लिन फिश स्किन, 2 चाहिए, अपने पास में आई गेस एक होगी, एक और लेके आ जाते हैं ना। वैसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी 2 मर्लिन है आई गेस। अरे तेरे जाने तक तो तेरा काम कर दिया बे मैंने, हट, तुम्हारे दौड़ने तक तो मैं इजी मर गई भाई, इजी मर गई, 3 हिट के अंदर इनका काम हो गया। चलो ये मर्लिन फिश स्किन मिल गई अपने को, एक और दिखी नहीं, वरना एक और मैं तोड़ देता अभी। चलो एक और इंगट रेड, ये ले, इंगट पे इंगट बनाते जाओ भाई, टेंशन मत लो। ये कपड़ा आ गया, रबर चाहिए ना अपने को, शार्क फिन चाहिए, शार्क, अरे फाइनली एक शार्क फिन बची हुई है मेरे पास में, और अपने को रबर चाहिए। क्या मेरे पास में रबर खत्म हो गया है? ऐसे मत बोलो भाई, रबर है ना, 10 रबर है मेरे पास। ये बैकपैक मैंने क्राफ्ट कर लिया, इसको मैं कहाँ पर रखूँ, इधर पहन लू, नहीं इधर पहनूंगा ना, देखो और 2 स्लॉट पड़ गए अपने पास, अब बैग के अंदर बहुत सारा सामान आ जाएगा अपने। ये हो गया हमारी बैग की कैपेसिटी खत्म, आज बड़ी स्पीड में नहीं काम कर रही है, बहुत ज्यादा स्पीड से वर्क हो रहा है। और मेरा एक और प्लान ये है, हम बड़ा घर भी बनाएंगे ना, तो जो हमारा चीज़ें बनाने की जो जगह रहेगी उसे हम सेंटर में रखेंगे, उसको हम और वॉल से घेर रखेंगे, क्योंकि जो वर्क बेंच होती है हमारी, या फिर ये जो भी चीज़ें हैं, जैसे ये वाला टेबल हो गया जिसके ऊपर हम खाना बनाते हैं, ये सारी चीज़ें ना ये टूट जाती है ना, बनने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, इसके लिए हम इसको ना ऐसे नज़दीक नज़दीक में ही रखेंगे, ताकि अपने को ना फुल मतलब टेंशन हो ना, ये चीज़ें टूटे ना, एनिमीज़ को कम से कम 2 से 3 वॉल्स तोड़ के अंदर आना पड़े, तब जाके ये तोड़ना पड़े, जब तक तो हम उन्हें तोड़ देंगे। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यार इंगट्स को क्या हो गया आज, इतनी तेज़ कैसे इंगट्स बनने लग गए आज, है बातें करने तक तो भाई इंगट्स रेडी हो गए हमारे पास में, 3-3 इंगट्स हो गए। इसीलिए पहले बनाएंगे हम अपने लिए एक हेलमेट, ये मेटल इंगट का हेलमेट आ गया भाई, एकदम फुल मजबूती, अब तो सीधा सैनिक हो गए हम, 15+ का इसका वो है। अब मेरे को स्क्रैप मेटल का आर्मर बनाना है, मेरे पास में अभी जो आर्मर है ये लेदर वाला है,
तो स्क्रैप मेटल के लिए दो रस्सी चाहिए अपने को, और आई गेस मेरे पास में रस्सी एक भी नहीं है, बट कपड़ा है मेरे पास। ये ले भाई दो रस्सी स्क्रैप मेटल का। अब हमारा आर्मर भी रेडी हो गया, ठीक है, इसको मैं पहना देता हूँ यहाँ पर। फुल आर्मर हमारा तगड़ा हो गया है। अब बाहर भी मेरे को टॉर्चेस लगाने हैं, और साथ ही साथ मेरे को मेरे पास में सारे वो बम रखने हैं। बम बोल रहा हूँ, ये जो पटाखे नहीं मिल रहे अपने को, ये फ्लेयर्स, ये सारी की सारी फ्लेयर्स अपने को अपने पास में रखनी है। क्योंकि एक कमेंट मैंने ये पढ़ा हूँ कि आगे चल कर ना भाई काले काले एनिमीज आते हैं काले कपड़े पहनकर, तो वो अंधेरे के अंदर दिखते नहीं है, इसीलिए मेरे को अपने घर के बाहर भी ना काफ़ी सारा टॉर्च लगाना है, और बेस को ना मैं यहां से कुछ ऐसे एक्सटेंड करते 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 अच्छा खासा ना आगे तक लेकर चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में बड़ी बड़ी दीवारें लगा देंगे। मन तो कर रहा है ना यहां से जो पानी के ऊपर बेस है ना इसको थोड़ा सा हटा दूं, और इधर साइड में कुछ बेस को कर लूं, ताकि मैं जमीन के ऊपर ना चारों तरफ से फैन से अपने बेस को घेर सकूं। बट चलो देखते हैं, स्क्रैप मेटल तो है हमारे पास में, हम अच्छी खासी चीजें कर सकते हैं अभी, या फिर सारा वुड लेकर फाउंडेशन बनाना स्टार्ट कर ही दूं। रुको, पहले वर्क स्टेशन और ये सारी चीजें करते हैं। अभी हमने अपने आप को मजबूत बना लिया, जो हमारा आर्मर था वो रेडी हो गया, हेलमेट रेडी हो गया, हमने अपने लिए बैकपैक बना लिया जिससे हमारी कैपेसिटी ज्यादा हो गई चीजें होल्ड करने की, ठीक है। बचा हुआ स्क्रैप मेटल यहाँ पर रख दिया। अभी मेरे को बनाना है एक बढ़िया वाला स्टो, एक इम्प्रूव्ड ग्रिल, एडवांस प्यूरीफायर आ गया है, और सिंपल प्यूरीफायर भी अपने पास में है। तो मैं काम करता हूँ, सिंपल प्यूरीफायर को मैं हटा देता हूँ, कहा गया मेरा डिब्बा लूटने के लिए, मतलब जो हमारे पास में बॉक्स था अनपैक करने के लिए, इसको लेता हूँ मैं, और ये चीज़ें ना हटाना स्टार्ट कर देता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि ये मेरे काम में नहीं आएगा, इसके लिए इसको हटा देते हैं। मेरे को लगा था वो टूट जाएगा तो अपने को सामान, रुक जाओ मैं इसको ना तोड़ने का ट्राई करता हूँ, मतलब यहाँ पर रख दूंगा, और जो मेरे पास हैमर है ये हैमर से मैं अगर इसे तोड़ दूंगा ना तो मेरे को कम से कम देखो स्क्रैप मेटल मिल गया और वुड मिल गई है, क्योंकि बाकी सामान तो है मेरे पास में, है कि नहीं? जो चीज़ें नहीं लग रही उसे तोड़कर ही हम हटा देंगे, सिंपल। तो पहले अपने को बनाना है स्टो, और स्टो बनाने के लिए अपने को चाहिए स्क्रैप मेटल, ठीक है। तो ये सारा का सारा स्क्रैप मेटल अपने पास में आ गया, ठीक है। 8 कंपोनेंट्स चाहिए, जिसमें से एक ही कंपोनेंट है मेरे पास में अभी। नहीं नहीं नहीं, नहीं इधर 8 कंपोनेंट और मिल गए, वेरी नाइस। और 4 इंगट्स चाहिए, 4 में से यहाँ पर अभी सिर्फ एक इंगट रेडी हुआ है, और 4 रेडी कर लूंगा, रिसोर्सेस तो है मेरे पास में अच्छे खासे। तो स्टो की जगह इम्प्रूव ग्रिल बना लेता हूँ, क्योंकि उसके लिए रबर चाहिए, और रबर 4 ये हो गया मेरे पास, और 7 ये हो गया, ठीक है। तो इम्प्रूव्ड ग्रिल पहले बना रहा हूँ मैं। ये रही इम्प्रूव्ड ग्रिल, इसको मैं इधर से लगा देता हूँ, ठीक है। अभी मेरे दिमाग में ना एक और बढ़िया प्लान ये आया है कि हम अपने ये बेस को एज इट इज़ रहने देंगे, इसके बाजू में मैं एक और बेस बनाता हूँ जिसको मैं पूरा स्क्रैप मेटल से बनाऊंगा, और उसके अंदर में ये सारा सामान रख दूंगा। कौन सा वाला? ये जो सामान है जिससे रिसोर्सेस हम बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें ना मैं वहाँ पर रख दूंगा, और उसे ज़्यादा मजबूती दूंगा, और उसे ना ज़्यादा सिक्योर बनाऊंगा ताकि एनिमीज उसे तोड़ ना सके। और ये वाली जगह को तो एज इट इज़ रहने देंगे, इसे ना हम अपना बेडरूम बना लेंगे, क्योंकि इतनी जगह मेरे को बस हो नहीं रही है। अब ये जो हमारा पुराना वाला ग्रिल है इसको भी मैं तोड़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लगेगा तो है नहीं। और यहाँ पर एक टाइम में मैं कितना खाना रख सकता हूँ, कुछ आइडिया? इम्प्रूव्ड ग्रिल के अंदर तो भाई कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, इधर मैं बस ऐसे लग रहा है ये वाली इम्प्रूव्ड ग्रिल के अंदर ना मैं ज्यादा स्पीड से खाना बना सकूंगा, आई गेस। मेरे को लगा 2 मीट एक साथ रख सकूंगा, चलो ठीक है, ये वाला हो गया काम। अब अपने को चाहिए थोड़ा सा स्क्रैप मेटल और 8 कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स खत्म हो गए, इंगट अपने पास में, इंगट की कमी नहीं, इंगट हम बना लेंगे। टोटल मेरे पास में अभी 2 इंगट्स रखे हुए ना। चलो कोई ना, हम चल कर ना कंपोनेंट्स लेकर आते हैं, और जाकर मैं थोड़ा सा ट्रेड भी कर लेता हूँ। मेरे पास में ना बहुत सारा फालतू का सामान पड़ा हुआ है, कम से कम ये खाली तो होगा, ये पूरा माल ना मैं बेच देता हूँ उसको, क्योंकि ये कुछ भी नहीं लग रहा मेरे को। ये सारा माल ट्रेड करेंगे, वहाँ पर अगर अपने को बाय चांस कंपोनेंट मिल गया तो सारा कंपोनेंट वहाँ से ला लेंगे। बहुत सारे कमेंट ये भी थे कि जो ट्रेड वाली जगह है इसके ऊपर ही तुम अपना बेस बना लो, एनिमीज तोड़ेंगे नहीं तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा। और वो वाला ग्लिच अभी हम इस टाइम यूज़ कर सकते हैं, इन फ्यूचर अपडेट आ गया और मेरा पूरा बेस ट्रेड वाली जगह से हटा दिए तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा इतना सारा सामान लेकर, बताओ। सामान तो मेरा वैसे गायब ही हो जाएगा, बचेगा तो है नहीं। आज रेड करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, बट तो भी बंदे हमारे पास आ ही जाएंगे रेड करने के लिए, मेरे को पता है, क्योंकि एक दिन तो चलो हमने आराम से बिता लिया, हो सकता है आज शाम तक या फिर कल ही आ जाए। एलो भाई, मेरे पास इतना सारा सामान है जो कि मैं बेचने के लिए लाया हूँ। सोने की अंगूठी भी है, ये सिक्के भी है, ये मैट भी है, सारा सामान रख लो,
इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी? कुछ तो तेरे पास भी नहीं है, तुम मेरे को क्या देगी है? क्या करूँ, ये रेड डॉट गन साइट ले लूँ क्या? गन के ऊपर लगा लूंगा, अच्छा काम में आ जाएगा, मतलब प्रॉपर तरीके से एम कर लेंगे। और ये केमिकल का अभी तक मेरे को यूज़ आया नहीं है। दो एंटीबायोटिक्स तो नहीं ले सकता, नहीं एंटीबायोटिक्स महंगी पड़ रही है तो उसे रहने दो। और तो ट्रेड करने जैसा इसके पास में आया नहीं यार, बैटरीज है और स्क्रैप मेटल है और तो कुछ है नहीं। ग्लास मिल रहा है, ग्लास पता नहीं मेरे पास में है या नहीं, सारा ग्लास तो लेकर चलते हैं। कम से कम इलेक्ट्रॉनिक आएगा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, ये थोड़ा सा ग्लास कम करता हूँ। वैसे इलेक्ट्रॉनिक वैसे भी नहीं लगा मेरे को अभी तक। और क्या चीज़ लगेगी, 20 लकड़ी ले लूँ क्या? लकड़ी चलो ठीक है, डील कर लो भाई, रख ले, मेरे को नहीं चाहिए। कितनी तेज आती है इसकी आवाज़, कान ऐसे लगता फट जाएगा। वैसे मेरे को ना अभी बैक साइड में एक आइलैंड दिखा जहाँ पर मन कर रहा है मेरा रेड कर लो। अरे घर भी है यहाँ पर, रुको 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 रुको, ये वाला घर मेरे को अभी ये बाजू में दिखा, अंडर वाटर पूरा का पूरा डेडिकेटेड बंगला है यहाँ पर नीचे अंडर वाटर। देखने दो मेरे को एक बार, ये है नहीं, थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। ठीक, हमारे नीचे ना देखो पूरा का पूरा घर है, किसी का बंगला है नहीं पता किसका बंगला है। और ये कौन सा एरिया है वैसे? मैंशन है बड़ा सा, व्हाट, बड़ा सा एक मैंशन। कपड़ा मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर फ्री का? नहीं नहीं खाना मिला, चलो ठीक है। एलगी दे दो, एलगी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये वाली कार मेरे को अनोखी लग रही है, इसके अंदर कुछ तो बढ़िया मिल जाएगा। स्क्रैप मेटल, ग्लास, गैसोलीन, इतना ही मिला सामान, चलता है, सीन नहीं है। देते जाओ बस तुम सामान मेरे को सामान दे जाओ, मेरे को और कुछ नहीं लेना देना। मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, यहाँ पर ना अपने को कुछ ना कुछ तो खजाना मिल ही जाएगा, जब इतना बड़ा मैंशन है भाई, कुछ ना कुछ तो इधर लूट होगी। मैंशन नाम तो लिख दिया, अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, फ्रंट डोर से जाएंगे, स्क्रैप मेटल और ये सारा दिख रहा। चलो ठीक है, बाद में आएंगे फुर्सत से देखने के लिए। और जिस आइलैंड की मैं बात कर रहा था ना, वो ठीक ये वाला है। यहाँ पर भी हम तोड़म ताड़ी कर सकते हैं वैसे जाकर, बट मेरे को नहीं लगता यहाँ ज़्यादा एनिमीज होने वाले हैं, कमी एनिमीज के अंदर अपना काम हो जाएगा। मेरी एनर्जी फुल क्यों नहीं हो रही है? पानी पी लेता हूँ, ठीक है पानी पी लिया हूँ, खाना खा लिया हूँ, ठीक है फुल पेट खाना खा लिया, अब हुई ना मेरी एनर्जी फुल। एक बड़ी सी टाइटैनिक जैसे शिप भी दिख रही है ये ठीक सामने। और हाँ, ये वाले आइलैंड के बारे में मेरे को पता है, इस वाले आइलैंड पर ना बहुत सारे एनिमीज है मेरे को पता है। चलो ठीक है, आएंगे फिर कभी। मैं तो अभी पुलिस स्टेशन आ चुका, क्योंकि जो सामान कहीं नहीं मिला वो पुलिस स्टेशन में मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद लगाए बैठा हूँ। अरे शार कहाँ से आ गई? शार को तो मैंने फिनिश कर दिया था ना, शार्क भी दोबारा रिस्पॉन तेरी ऐसी तैसी। अबे बड़ी बॉट शार्क है ये, है? मैं तो पीछे से जाके इसकी मार भी लिया और उसको मालूम ही नहीं पड़ा। प्लीज इन दो गाड़ी के अंदर मेरे को ज्यादा माल मिल जाए, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, आई वांट कंपोनेंट्स, बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स का नीड है मेरे को। स्क्रैप मेटल मत दो, कंपोनेंट्स दो, उसी की वजह से मेरा काम रुका हुआ है अभी। बट नहीं, हमें स्क्रैप मेटल ही देना है। चलो ठीक है, देते जाओ, ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। 1 2 3 लेट्स गो। पेट भर के पानी पी लिया मैंने, बट स्टिल यहाँ पर भी हमें कंपोनेंट जैसा कोई चीज नहीं मिली। ये वाला बेस देख रहे हैं, एनिमी का कितना ज्यादा बड़ा है, पूरा ताजमहल बना रखा है लोगों ने। चलो भाई, जैसे तैसे हम अपने घर आ गए, दिन निकलते ही एनिमीज आने वाले हैं। तो मेरे पास में क्या, सारी चीज रेडी है, खाना रेडी है, पानी की जरूरत नहीं है। ये साइड को मैं खा लगाऊंगा, मेरी बंदूक के ऊपर ऐसे बैठेगी, ऐसे नहीं बैठेगी बंदूक पे, इससे अगर यूज करूंगा काय पे, कौन सी वाली, इस वाली गन पर लगेगी? नहीं यार, इस वाली गन पर भी नहीं लग रही हो। आई गेस वो यहाँ पर कहीं बैठेगी, तो मैं ऐसे अगर लगाऊंगा तो नहीं कुछ हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ। चलो देखते है, सुबह बट फील आ रहा है एनिमीज आएंगे, बस कुछ ही सेकंड में सोने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर सामान तो सॉर्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो हो चुकी है प्यारी सी सुबह, फटाफट से भाई पानी पी ले, पेट भर के पानी पी ले, डिब्बे का खाना खा ले और ऊपर दीवार पर चढ़ के बैठ जा कुछ मिनटों के लिए। भाई कितने दिन के बाद में यहाँ पर सारे प्लांट्स उग गए, मतलब बड़े वाले पेड़, और क्या खूबसूरत लग रहा है, सच्ची में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। कहीं से भी एनिमीज आ सकते हैं, मेरे को रिस्क नहीं लेना, इसीलिए मैं पहले ही थोड़ा ऊपर चढ़ के ना बैठ जाता हूँ भाई। जहाँ से भी जो भी आएगा यहीं से कुत्ते जैसा मार खाएगा, ठीक है। दो मिनट के लिए अभी थोड़ा सा यह सबर करते हैं हम बस। क्या मैं चिड़िया को मार सकता हूँ?
नहीं चिड़िया आई गेस चिड़िया नहीं मार सकता, बट स्टिल ट्राई करता हूँ। नहीं चिड़िया नहीं मार सकता मैं। अब इतनी देर हो गई है तो मेरे को नहीं लगता कि एनिमीज आएंगे, तो चलो ठीक है हम हमारा बाकी पेंडिंग काम कर लेते हैं। अपने को आर्मर वर्कशॉप बनाना है, गन वर्कशॉप बनाना है, एनविल बनाना है, बहुत सारी चीज़ें है भाई, एयर फिलिंग स्टेशन बनाना है। तो पहले बनाते हैं आर्मर, ठीक है। सबसे पहले अपन ले लेते हैं बहुत सारा स्क्रैप मेटल, ठीक है। काफ़ी सारा स्क्रैप मेटल आ गया, पूरी रैकी खाली कर देता हूँ, यहाँ से सारे कपड़े ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में वुड चाहिए अपने को, यहाँ से भी पूरा का पूरा ना वुड खाली कर देता हूँ, जितना वुड चाहिए सारा वुड आ जाएगा। तो ये बन गया अपना आर्मर वर्कशॉप, इसको लगा देता हूँ ठीक इसके बाजू में, ठीक है। ये फिलहाल मैं टेम्परेरी लगा रहा हूँ बस, क्योंकि ये सारा सामान ना अपने दूसरे घर में जाएगा। एक तो इसी घर को मैं बड़ा कर लूंगा, या फिर ये सामान रखने के लिए एक स्पेसिफिक घर बनाऊंगा, या फिर एक नया घर बनाकर वहां ये सारा सामान रखूंगा। तीन चीज चल रही है मेरे दिमाग में, अब देखते हैं जो भी होगा, जो बेटर रहेगा वो हम करेंगे। चार इंगट्स क्या मेरे पास में आ गए है? यस चार इंगट्स आ गए है, पूरे इंगट्स का ना वो कर लेते भाई। इंतजार नहीं करते, बस इंगट्स बनाते रहते, कब कौन सा इंगट काम में आ जाए पता नहीं। इधर थोड़े से वुड रख देता हूँ, कम से कम इंगट तो बनते रहेंगे। वुड प्लैंक खत्म होगा, चलो ठीक है कोई ना। गन वर्कशॉप बनाने के लिए कंपोनेंट्स चाहिए है नहीं, स्टोव बनाने के लिए भी कंपोनेंट्स चाहिए, बट हम एनविल तो बना सकते हैं ना। एनविल के लिए सारा सामान तो है मेरे पास, रुकना नहीं है, एनविल बनाना है, ठीक है। ये हो गया अपना एनविल को, इधर से नहीं, एनविल को मैं रखता हूँ इधर से, ठीक है। ये वाली जगह एनविल की आ गई, इसके ऊपर ना मैं अब आयरन एक्स, आयरन स्पियर, आयरन मेस, आयरन स्वॉर्ड और ये मशेट बना सकता हूँ। प्लस 30 डैमेज, प्लस 38 डैमेज, प्लस 50 डैमेज, 70 डैमेज और ये भी 70 डैमेज, वेरी नाइस। और ये सिलाई मशीन देख रहे हो कितनी ज़्यादा बड़ी है भाई, है सारा खानदान का काम हो जाएगा इसके ऊपर। इधर क्या बना सकता हूँ, फॉरेस्ट कॉम्बैक्ट वेस्ट 25 इसकी मतलब पावर है, और फुटबॉल हेलमेट 18, मोटरसाइकिल हेलमेट, पुलिस वेस्ट, पुलिस हेलमेट, इसे पुलिस हेलमेट बना सकता हूँ। ये ब्रोकन पुलिस हेलमेट नहीं यार, ये नहीं है मेरे पास में, ऐसा टूटा फूटा कुछ तो मेरे को मिला है, चलो ठीक है। अच्छा आर्मर है, काफ़ी ज़्यादा सही आर्मर है, ये भी हो गया। अब अपने को एयर फिलिंग टैंक चाहिए, ठीक है। एयर फिलिंग टैंक बनाने के लिए अपने को इंगट्स चाहिए, यार मैंने इतने इंगट्स बनाया था, कहाँ गए मेरे सारे इंगट, आए मैं खर्च कर दिया मैंने इंगट अपने एनविल और उसके अंदर लग गए होंगे। तो क्या क्या चीज़ें हमने बिल्ड कर रही, रिसर्च टेबल हमारे पास में, फर्नेस है, एनविल है, गन वर्कशॉप बाकी है, आर्मर वर्कशॉप बना लिया है, एयर फिलिंग स्टेशन बाकी है, बैटरी वाला स्टेशन बाकी है, ये भी बन जाएगा, क्योंकि नहीं ये भी नहीं बनेगा कंपोनेंट, अब मेरे को एक ही टाइम में जाकर लेके आना पड़ेगा। तो अभी क्या क्या नहीं बनाए, एक और ये दो, ठीक है ये भी बन जाएगा, क्योंकि ये सारा सामान अपने पास में है, सिर्फ दो चीज़ें नहीं बनी है। बाकी ये प्लांटर के अंदर तो सिर्फ कपड़ा और लकड़ी चाहिए, बहुत सारे प्लांटर अपने बन जाएंगे, नए घर के अंदर ही बनाएंगे। रिसर्च के अंदर क्या क्या चीज़ें रिसर्च करनी बाकी है अभी, सबसे पहले तो एक सेफ चाहिए, सेफ की भी रिसर्च कर लो भाई, एक कंपोनेंट है मेरे पास में रखा हुआ, तो ये सेफ का भी टेंशन अपना खत्म हो जाएगा। सेफ बनाकर अपने को चेक करना पड़ेगा पहले कि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है या नहीं है, अगर ज़्यादा कैपेसिटी रहेगी तो फिर मैं वही बनाऊंगा। इसकी पावर भी देख रहे हो सीधा 3000 भाई, इतना ज़्यादा मजबूत है। तीन इंगट दो कंपोनेंट, ज़्यादा ऐसे खतरनाक वाला सामान नहीं चाहिए। अब बारी है अपना बेस बनाने की, ठीक है। बट स्क्रैप मेटल तो सारे लगा दिया मैंने, और भर भर के स्क्रैप मेटल लेके आना पड़ेंगे। नहीं इसके ऊपर खाना कितनी देर में बन रहा है भाई, मैंने ये नोटिस नहीं किया, शायद से ज़्यादा टाइम लग रहा हो या कम टाइम लग रहा हो, जो भी है। और जिस आइलैंड पर हम है अभी, इस वाले आइलैंड को मैंने कितना ज़्यादा एक्सप्लोर किया हूँ ये भी नहीं पता, मतलब अभी हम ये कास्टा वे पर है, 76% हम एक्सप्लोर कर लिए इसको। ये भी सारी चीज़ें ना पिन कर लेता हूँ, फ्लेयर भी बनाने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे फ्लेयर ऑलरेडी अपने को मिल गए हैं, फ्लेयर का भी इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। कॉम्बैक्ट आर्मर के लिए मर्लिन स्किन चाहिए, चलो ठीक है। पहले हम बनाएंगे स्मॉल एयर टैंक, दो रबर चाहिए, एक इंगट चाहिए, तीन कंपोनेंट चाहिए। रबर है हमारे पास में, ये इंगट आ गया हमारे पास में, सिर्फ तीन कंपोनेंट्स चाहिए। वैसे रबर भी है यहीं पर रखा हुआ है, फिशिंग रॉड बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं, फिशिंग वाला हमने नेट बनाकर लगा दिया यहाँ पर, अपना टेंशन ही ख़त्म हो गया इसके अंदर। अरे मेरा फिशिंग नेट तोड़ दिए यार, मेरा फिशिंग नेट तोड़ दिए भाई। अरे भाई भाई भाई, एलगी ले रहा था मैं, शिट शिट, कौन आया है,
अरे कहाँ से आ गया? अरे अंदर भाग, बैंडेज लगा, ये खा बैंडेज लगा भाई। अरे इनकी ऐसी की तैसी, ये गलत टाइम पे कैसे क्या आ गए, इनकी रेड ही। मेरे को पानी में रहना पड़ेगा। अरे निकल ले ट्रिपल बैरल। ब्लीडिंग 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 बैंडेज। अरे शिट, खत्म। इसको नजदीक से मारूंगा, इसको नजदीक से मारूंगा। पा इसको नजदीक से मारना पड़ेगा। शिट 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 शिट। आधी बुलेट्स घर पर रखने चाहिए, ये मैंने अब सीखा हूं। आधी बुलेट्स हमें घर पर रखनी चाहिए। शिट भाई नहीं, प्लीज प्लीज। आधी बुलेट्स घर पर रखनी चाहिए, ये मैंने अब सीखा हुआ है। क्या ही बॉट बंदा हूँ यार, यार ये कैसे टाइम पर रेड कर दिए लोग। खत्म, नहीं मरा। ये दिन पे दिन ना गेम थोड़ा सा ना ऐसे फ्रस्ट्रेटिंग होते जा रहा है। जो आर्मर बनाया, जो हेलमेट बनाया, वो चला गया, वेस्ट हो गया। अब जरूरी हो गया है मेरे को, जरूरी हो गया मेरे को अपने पे। अंदर रहना बे, अंदर रहना। जरूरी हो गया मेरे को अपने बेस को बनाना पहले। अब बगैर बेस के सरवाइव नहीं कर सकता, बगैर बेस के सरवाइव नहीं कर सकता मैं। लूटम लाट करेंगे बाद में, थोड़ा सा रोटेट करके आते। अरे अरे ये यहाँ से तोड़े जा रहा है। तेरे का बाप का घर है, तेरे बाप का घर है ये तोड़ रहा है साले, है तेरे बाप का घर है तोड़ रहा है। दहेज में मिला था तेरे अब्बा को, है साले दिमाग खराब कर रहे। आयो आयो आयो, पूरा घर का सत्यानाश कर दिए। क्या क्या तोड़ के लेकर चले गए भाई, क्या क्या तोड़ कर लेके चले गए। इनकी तो माँ की आंख छोड़ेगा नहीं मसाले तेरे को। चल क्लोज कम बैक। हैं तेरी माँ की आंख, ये गोली खत्म हो गई। रीलोड पर जाएगा अब। ना 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 ना, बेस का सत्यानाश कर दिए। ऐसी की तैसी वाट लगा रहे मेरी इतनी बुरी बुरी हैं। नहीं भाई, ऐसे से तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा यहाँ पर। ये दिन निकलते रेड करते, आज शाम के वक्त कैसे क्या रेड कर दिए। और ये इतने पावरफुल होते जा रहे भाई, ये कोई भी कहीं से भी कुछ भी अटैक कर रहा है। लकड़ी वाला बेस मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का नहीं है। मैं पानी के अंदर एलगी ढूंढ रहा था बड़े मज़े से। फाउंडेशन तोड़ दिए, पांडू की लाश कहाँ पड़ी है। नहीं यार, दे दो भाई, दे दो जल्दी से दे दो मेरे को सामान। एंटीबायोटिक रखना पड़ेगा मेरे को अपने पास में भर भर के भाई। हर्बल या बैंडेजेस तो चलो ठीक है मेरे पास। तीन बैंडेजेस है ना, पांच बैंडेजेस और कर रहे तो। और कुछ है? टाइम पर मैंने स्ट्रॉबेरीज वगैरह वो उठाया था,
ऐसे से काम नहीं होने वाला अपने को। बहुत जल्द क्या, बहुत स्पीड से, बहुत गोली तरीके से मेरे को सारा काम करना पड़ेगा। एक चीज़ ये अच्छी लगी कि मेरे को यहाँ पर ना मतलब वो नहीं लगा ये मेरा सामान टूटा नहीं। बाकी तो हर एक चीज़ तोड़ दी, हर एक चीज़, दीवार, गेट, फैंस। भाई यार लकड़ी का काम नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा सेव करना पड़ेगा मेरे को, कंपोनेंट्स का जुगाड़ करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा। मैं तो ज़िंदा ही नहीं बचूंगा यहाँ पर, इनकी ऐसी तैसी ज़िंदा ही नहीं बचने का छोड़ेंगे भाई ये अपने को। खैर हम आज के एपिसोड को बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। नए आए हो चैनल पे, एंजॉय किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे वीडियो वीडियो गेम प्लेस लाता रहता हूँ। अभी और भी नए नए गेम प्लेस चैनल पर आने वाले हैं। तो मिलता हूँ आप सभी से अगले एपिसोड में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू। अभी जा रहा हूँ मैं बेस का कुछ जुगाड़ करने के लिए, बेस के बारे में।